गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा पहुंचे मंदिर परिवार समेत सालासर मंदिर में मत्था टेका के उपचुनाव में गोविंद कांडा ने जीत का दावा किया है। तो अमूमन हर बार होता है कि उम्मीदवार भगवान के दर्शन करने उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, लेकिन बात तो ये है कि क्या जनता का आशीर्वाद मिल पाएगा, क्या जनता वोट करेगी, क्या जनता इन्हें पसंद करेगी किसी भी उम्मीदवार के लिए, केवल गोविंद कांडा के लिए नहीं बल्कि किसी भी उम्मीदवार के लिए हम भी बात कर रहे हैं। तो गोविंद कांडा सालासर मंदिर से ही तस्वीरें आपके सामने, मत्था टेका के गया कि इनकी ओर से और जाकर है जीत की कामना की गई है। तो मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया गया, परिवार समेत पहुंचे गोविंद कांडा, सालासर मंदिर में दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की गई, उसके बाद क्या कुछ कहा गया आइए जानते हैं। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ दिन है, हर आदमी की जो एक अपनी जो पावर है आज वोटिंग की, वो वोटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए, और जो आने वाला रुझान है वो सरकार के हक में आए, सरकार के सांझे हों कि जो एलनाबाद का जो विकास रुका हुआ है, एक विकास की गंगा बहे एलनाबाद में, एक विकास हो। तो मैं मेरे सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वो आपका एक एक आशीर्वाद कमल के फूल पर निशान लगाकर मुझे आशीर्वाद दें।